हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप यू आर डूइंग गुड। तो गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक और हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ बताने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास कोई भी स्मार्ट टीवी है या आप लोग कोई भी एंड्रॉयड टीवी को यूज़ करते हो, तो आपको एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो वो चीज़ क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। आजकल काफ़ी सारे लोग अपने टीवी में एक स्मार्ट लॉन्चर को डाउनलोड कर लेते हैं, ये सोच के कि इससे उनका टीवी बहुत ही अच्छा लगेगा और उनके टीवी में कुछ नया अपडेट हो जाएगा और उनके टीवी के फीचर्स बढ़ जाएंगे, और यहाँ तक कि उनको लगता है कि उनका टीवी पहले से काफ़ी अच्छा वर्क करने लगेगा। बट गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोगों को अपने टीवी में भूल कर भी किसी लॉन्चर को डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको उसका पूरा प्रॉपर वैलिड रीज़न बताऊँगा कि आपको क्यों नहीं करना चाहिए, आपको क्यों किसी टीवी में किसी लॉन्चर को डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा, अभी एक टीवी लॉन्चर करके एक ऐप है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रहा है और काफ़ी सारे टीवी में वो पहले से इंस्टॉल्ड है और काफ़ी सारे लोग उसका यूज़ भी करते हैं। तो भाई, मैं आपको बताता हूँ आपको किसी भी टीवी में किसी टीवी लॉन्चर को क्यों डाउनलोड नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले रीज़न ये है, अगर आप लोग किसी भी टीवी में एक टीवी लॉन्चर को डाउनलोड करते हो, तो उसमें होता ये है कि आपके टीवी में जो भी कभी फ्यूचर में अपडेट आएगा, वो अपडेट बिल्कुल भी नहीं आएगा। सपोज़ आपके टीवी में कोई अपडेट आने वाला है, बट अगर आप लोगों ने ये लॉन्चर इंस्टॉल कर रखा है, तो आपके टीवी में कोई भी अपडेट नहीं आएगा। बस इस लॉन्चर से होगा ये कि आपका टीवी पहले से थोड़ा अच्छा दिखने लगेगा, सिर्फ अच्छा दिखने लगेगा, बाकी इसके फीचर्स या इसके किसी भी चीज़ में कोई भी अपडेट नहीं आएगा। और तो और, आपका टीवी आगे चल के हैंग भी कर सकता है। तो इस लॉन्चर का पर्दाफाश करने के लिए तुम्हारे भाई ने एक टीवी लॉन्चर ऐप को डाउनलोड किया, ये जानने के लिए कि ये लॉन्चर डाउनलोड करने से पहले और ये लॉन्चर डाउनलोड करने के बाद हमारे टीवी में क्या क्या चेंजेस आए, हमारा टीवी कितना बेटर हुआ या कितना और बेकार हो गया, ये सारा चेक करने के लिए हमने इस लॉन्चर को डाउनलोड किया। तो गाइस देखिए, जैसे ही मैंने इस लॉन्चर को डाउनलोड किया, ये स्टार्टिंग में एक घंटा या डेढ़ घंटा बिल्कुल सही वर्क किया, बट जैसे ही डेढ़ घंटा हुआ, उसके बाद मेरा टीवी हैंग करने लगा, जबकि इससे पहले ना ही मेरा टीवी कभी हैंग किया था और ना ही कभी हैंग करने की सिचुएशन में था। तो ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ इस लॉन्चर की वजह से हुआ। तो फिर मैंने इस लॉन्चर को बंद किया, देन दो घंटे बाद मैंने इसको दोबारा चालू किया, फिर भी मेरा टीवी हैंग कर रहा था। मुझको अपने टीवी में YouTube, Netflix सब यूज़ करने में काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी और मेरा टीवी काफ़ी ज़्यादा हैंग कर रहा था। देखो, एक चीज़ और है, ये डिपेंड करता है कि आपके टीवी में कितना रैम है, आपके टीवी में कितना स्टोरेज अवेलेबल है, या फिर आपके टीवी का सॉफ्टवेयर वर्जन कौन सा है। आपके टीवी का रैम जितना अच्छा होगा, ये लॉन्चर आपके टीवी में उतने अच्छे से वर्क करेगा, बट एट दी एंड ये लॉन्चर आपके टीवी को हैंग करके ही रहेगा। तो मेरी मानो तो इस लॉन्चर को बिल्कुल डाउनलोड मत करना। तो फिर जैसे मैंने इस लॉन्चर को अनइंस्टॉल किया, देन मेरा टीवी बिल्कुल अच्छे से वर्क करने लगा, इसके अंदर कोई भी हैंग की प्रॉब्लम नहीं आ रही थी और मेरा टीवी बिल्कुल अच्छे से वर्क कर रहा था। तो मुझे तो इस चीज़ से बिल्कुल साफ क्लियर हो गया था कि मेरा टीवी जो हैंग कर रहा था, ये बिल्कुल इस लॉन्चर की वजह से ही हैंग कर रहा था। तो आप लोगों को ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, अगर आप लोग चाहते हो कि आपका टीवी ऐसे अच्छे से वर्क करे या फिर कोई लॉन्चर लगा लूँ मैं, उससे मेरा टीवी और अच्छा हो जाएगा, तो गाइस ऐसा बिल्कुल मत करना, इससे कोई फ़ायदा नहीं है, बल्कि आपके टीवी को काफ़ी हार्म हो सकता है। जबकि भाई, लॉन्चर तो फ़ोन की भी ऐसी की तैसी कर देता है, फिर टीवी क्या चीज़ है। तो भाई, इसको अवॉइड करो, किसी भी लॉन्चर को अपने टीवी में इंस्टॉल मत करो। एंड देन सी यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।